गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मोइनाक। मैंने तो ये सोचा था कि दिन की शुरुआत मैं जर्मनी से करता हूँ जैसे मैं रेगुलरली करता हूँ, बट आज कुछ डिफरेंट है। आई एम सेइंग यू हाई फ्रॉम फ्रांस एक्चुअली, एंड दिस इज अ प्लेस कॉल्ड एज स्ट्रासबर्ग। कैसा मन है वीकेंड स्पेंड करने का? मैं अपना वीकेंड स्पेंड कर चुकी हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये मेहनत करी ना मैंने। थैंक यू। कल चले क्या? कल मन तो बहुत हो रहा है, बहुत दिन से निकले नहीं है कि थोड़ा सा दूर वूर जाए है? वो जाने का भी प्लान बन रहा है बट अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। ये भी हो सकता है कल बारिश हो जाए और हम घर पे बैठे रहे और जितना प्लान है वो पानी का पानी धर जाए। सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं, आराम से गाड़ी लेके कहीं दूर चलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। बेकार थी घर मीठा, ये भी बाहर बाहर से दिखता है, मिर्ची के पूरे बीज डले हुए हैं और फिर खा दो तो फिर सारा मीठा निकल जाता है। अब तुम छुपा के रखो मत। छुपा के नहीं रख रहा, आपको के सामने रख रहा हूँ। तुम्हारे ही गायब है। मेरी बुद्धि ज्यादा होगी ना इसलिए विजडम टीथ निकाल दिया। ज्यादा हो जाती है उसको निकालना पड़ता है। अच्छा। जब तक स्टोरेज भरो नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। लाओ स्टोरेज भरने के बाद तुम ये लाओ, ये लाओ। तुम ये दो एक एक बाइट। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम खाने के बारे में बिल्कुल व्लॉग नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट व्लॉग में ना आपको 5 या 6 मील से दिख गई है हमारे खाने के और आपको लगेगा हम सारे दिन खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब वीडियो एडिट करता हूँ ना तो मैं बार बार वीडियो देखता रहता हूँ तो मुझे ही भूख लग जाती है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है बीवी होता है। कल ही शॉपिंग करके आए अल्टी से, आज फिर से जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें रह गई थी और मंडे को यहाँ पे हॉलीडे है तो सैटरडे तो आज है, संडे और मंडे दुकानें बंद रहेंगी, ट्यूसडे फिर से खुली रहेंगी, इसीलिए लास्ट मोमेंट तक एक बूंद नहीं छोड़ेंगे, सब चीज ले आएंगे सुपरमार्केट से। अरे वाह, कौन सी गाड़ी जा रही है? सुन रहे हैं, कौन सी गई, कौन सी गई? बेंटली है। मेरे को लगा ये इस साइड मुड़ रहा है कि जिस स्पीड से आया ना, आई वाज लाइक ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। गाड़ी खरीदे हुए 1 साल होने वाला है, आज जाके गाड़ी की एक खास बात पता चली है, पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज? यहाँ पे नीचे 12 एम्पियर का वोल्ट है और सिगरेट एस्ट्रे है। जो भी है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जिंग, मेरे को पता ही नहीं था ये चीज। पीछे बैठो को भी पता चलेगा। आप पीछे बैठने नहीं हुआ 1 साल से? तुम कभी पीछे बैठो जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी तो तुम बैठना कभी पीछे। आज बहुत सोचा कि बाहर निकलेंगे पर गेल स्टॉर्म चल रहे थे तो गेल गस्ट विंड, अच्छा हुआ कि नहीं गए। फिर उसके बाद हमने क्या कि थोड़ा सो लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया। वैसे तो ये चीज हम रोज करते हैं बट आज हमने ये सोच के किया कि हमें ये करना है तो कल होपफुली चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो। कल देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सुबह हो गई है, धूप इतनी अच्छी वाली निकल रही है, बस अब निकलने का देर है। ज्यादा लेट नहीं हुए, इट्स 8:15। प्लान ये था कि 8 बजे निकलेंगे पर 6 बजे से ही सनलाइट आ जाती है तो मन करता है 6 बजे ही निकल जाओ। नींद पूरी जरूरी है क्योंकि ड्राइव लंबा है, ड्राइव लंबा नहीं है 2 hours 41 minutes की ड्राइव है। खाना वाना ले लिया साथ में क्योंकि पता नहीं रेस्टोरेंट्स खुले हों कि ना हो, पर खुले तो होंगे मेरे ख्याल से टेक अवे के लिए होपफुली। जर्मनी के अंदर तो यही है, फ्रांस के अंदर पता नहीं। वो जो अंकल की बाइक मैं बोल रहा था वो ये रही, यहीं पे खड़ी रहती, इतनी सुंदर बाइक है पर ये खड़ी रहती बेचारी हमेशा। सब कुछ ले लिया था, सब पैक भी था और निकल भी गए थे अभी। अच्छा हुआ याद आ गया कि हमने अपने पासपोर्ट्स नहीं लिए हैं। वैसे तो हमारे पास यहाँ का कार्ड है, जैसे आप जब यहाँ रहते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता होता है जिसको कहते हैं ऑफेनहाल्स्टेटल, वो है। बट इन केस अगर उन्होंने पासपोर्ट मांगा और इतनी सी चीज के लिए हमें वापस आना पड़ा तो बहुत ही गुस्सा आएगा किसी को भी। एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं और बड़ा अजीब लगता है कि यार आप फ्लाइट ही नहीं ले सकते, कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते, जबकि कितना ईजी होता था ये सब कुछ करना। पिछले व्लॉग में हमारी जो फ्राउ है यहाँ पे चश्मा भूल के आ गई थी, अब घूमने आ रहे तो चश्मा तो चाहिए तो चश्मा लेने आए हैं। धूप आए ना है चश्मा तो पहनना है। यहाँ से जो है 2 घंटे की जर्नी है, हमने सोचा अब कोई ब्रेक नहीं लेने का, बस हमें पेट्रोल भरवाना है। पेट्रोल पंप देखा तुमने? अभी अपने आगे में जा रहा है एक गैंग ऑफ बाइकर्स, ये एकदम ना फिल्मी टाइप लग रहा है। अभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि बारिश होगी बट थोड़ी बहुत बारिश हो गई है। पीछे बस एक छोटा सा स्ट्रेच था जहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी एंड नाउ अब वो बादल गायब हो गए हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स दूर हैं एंड हम वेट कर रहे हैं बॉर्डर देखने का, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर कैसा है, क्योंकि ये हम पहली ट्रिप कर रहे हैं ऐसे रोड से फ्रॉम जर्मनी एंड रीचिंग फ्रांस। इट्स ओनली 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर तो कुछ खास नहीं होने वाला है। तो ये आ गया है जर्मनी का बॉर्डर एंड थ्रू दिस ब्रिज वी आर गोइंग टू एंटर फ्रांस।
तो हम अब ब्रेड की बजाय क्रोजन खाने आए हैं। हम ब्रेड से बोर हो गए थे तो हमने सोचा क्रोजन खाने आते हैं, इसलिए हम आ गए हैं फ्रांस। पहुंच गए पार्किंग में फाइनली 11:30। साढ़े आठ बजे शुरू किया था एंड 11:30 बजे तक 3 घंटे, उसमें बीच में हमने 15 मिनट का ब्रेक जरूर लिया था क्योंकि नतिका का चश्मा लेना था, बट अब है भूख लग रही है मुझे। अभी उस लड़की की जो है शादी हो रही है, उसका बैचलर चल रहा है। आप सबने तो कभी खुशी कभी गम देखी होगी, तो कभी खुशी कभी गम में सबका पता चलता है, बट जो छोटा वाला भाई है रोहन, उसने क्या किया बाद में, उसने कैफे रोहन खोला। क्या क्या मिलता है देखो, समझ में आएगा तो ना। अभी ये जो मेरे पीछे है ना, ये पूरा सिटी सेंटर है, तो अब क्या है कि यहाँ पे बैठने के लिए सोचना पड़ेगा दो बार, क्योंकि भले ही टेबल खाली दिख रहा है बट इसका मतलब ये नहीं कि टेबल खाली है, 1 बजे तक बुक्ड है। यहाँ पे एक चीज मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि रेस्टोरेंट के लिए जब आपको सीट लेनी होती है तो ऐसा नहीं कि घुस जाओ अंदर किसी से पूछने चले जाओ। यहाँ पे बोला कि मेनू कार्ड जो इनका बाहर रखा रहता है उसके सामने खड़े हो और उसके पीछे लाइन लगाते रहो, तो वहाँ पे वेटर आएगा, अब वो बोलेगा कितने लोग हो और फिर आपको सीटिंग उस हिसाब से दे देगा। तो ये वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। तो मेन्यू कार्ड, आप भी कभी ऐसे जगह पे आओ तो मेन्यू कार्ड जहाँ पे भी हो इनका बाहर इंस्टॉल, उसके बाहर ही खड़ा रहना, ऐसा नहीं कि अंदर चले जाना मेरी तरह। क्या हुआ, पता है कितने साल बाद हम रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, हम वापस से रेस्टोरेंट रोहन में ही आ गए हैं क्योंकि कोई और ने हमको लिया ही नहीं अंदर। आई थिंक ट्रेन चलती होती तो शायद बात बन जाती। अगर आपने वो वाला सीरीज देखा हो एमिली इन पेरिस, तो उसमें भी पेरिस में एमिली को सीट नहीं मिलती जब तक कि वो उसकी दोस्त फ्रेंच में बात नहीं करती। व्हाट आर यू ट्राइंग? सो बेसिकली दिस इज डक ब्रेस्ट। मेरा इतना कलरफुल नहीं है पर इसको कहते हैं फ्लाम कुकन, जर्मन में फ्लाम कुकन और फ्रेंच में आप गूगल कर लीजिए। घर को देख के मेरे को अपने नानी के घर की याद आ गई, उसमें भी ऐसे वुडन की फ्लोरिंग होती थी और वहाँ पे भी वुडन की पूरा। मैं आपको इधर आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ऊपर और जाने का रास्ता नहीं है पर लकड़ी का पूरा बना हुआ ये घर। ये बेसिकली टिम्बर्ड हाउसेस हैं, तो जर्मनी में ऐसे ही घर बनते हैं बट ये फ्रांस के सेक्शन में है, बॉर्डर से जुड़ता है, तो करीबन मेरे को लगता है कि कल्चर दोनों उस जगह का मिक्स एंड मैच है। ये तुम कितना बोल रहे हो कि कितना इसके ऊपर प्राइस होगी, 7 to 8 euros, और कितना वो बोलेगा तो तुम नहीं लोगे ये चीज, ये बता दो। 10 से ऊपर बोला तो नहीं लोगे ना, चलो ठीक है। ये जो अभी आपने लाइन देखी थी, ये साइड में जो लाइन चल रही है, ये एक्चुअली लोग वेट कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। अच्छा हुआ हम रोहन वाले के चले गए। यही है यहाँ का जो बीच में सिटी में चर्च है और कैथीड्रल, क्या नाम है इसका, नॉटर डैम नहीं, चटर्जी कैथीड्रल, चटर्जी परिवार का कैथीड्रल है ये, हमारे परिवार ने बनाया था 1988 में, उसके बाद से मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, आज दोबारा आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉटर डैम चर्च है ये, जैसे कि देख सकते हैं, इसके अलावा मुझे ना इसकी इतनी हिस्ट्री पता नहीं है लेकिन गूगल करना। चटर्जी लोगों का है तो यहाँ पे चटर्जी लोग आराम से खाते पीते हैं। ये जो जगह है सिटी के बीच में है, सिटी सेंटर में आसपास आपने रेस्टोरेंट देखे ही थे, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं रिवर के पास जहाँ का कहते हैं कि एरिया बहुत सुंदर है, वॉकिंग वहाँ पे भी वॉक करेंगे और आसपास स्प्रिंग के टाइम पे स्पेशली बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। तो देखो भैया स्ट्रासबर्ग आने का प्लान बड़ा सडन सा था और बात ये थी कि यहाँ पे शावर मिला है फ्री का, तो हम साबुन लगाना भूल गए, पर आपको अगर नहाना है नहाए, नहीं हो जैसे मैं विचारधारा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे साबुन लेके आइए और नहाइए अपना मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, यहाँ पे मैंने फ्रांस में पहला मील खाया स्ट्रासबर्ग में 2021 में, तो मील बड़ा सा कम सा था, 17 यूरो पे किया मैंने, पर इतना कम खाना था
मेरे को लगा कि दो बार मंगाना पड़ जाएगा, फिर मैंने खाते खाते बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग सारे पतले हैं तो खाना वैसे ही ऑटोमेटिकली कम है। अगर अपने इंडिया में इतनी कम क्वांटिटी का खाना देना तो वो रोला रपा मच जाए। तो यही है बात, इंटरनेशनल ट्रैवल है पहला 2021 का। नहीं है, ये तो वही हो गया, ये जैसे बंगाल से बांग्लादेश गए ना, वहाँ इतना दूर हो गया। बाकी मेन रीजन तो ये था कि हम इतने दूर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। अरे वाह यार, गाना कितना मस्त। वो देख लो, ये म्यूजियम है ये सामने वाला, ठीक है। हाँ, ये नॉटर डेम म्यूजियम ही है। हाँ ठीक है। और ऊपर वो लोग ना साइकिल चला रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे साइकिल चला रहे हैं तुमको। अरे हाँ, वो बंदा वो देख सकते हैं क्या, वो खाली पीली साइकिल चलाया जा रहा है, सीख रहा है साइकिल। ओहो ये देखो, ये तो मूवी चल रही है यहाँ पे। तो इस इन बोट्स को क्या कहते हैं, इट्स लाइक नॉर्मल बोट्स और कॉल्ड समथिंग एल्स। चलो जो भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपको नॉर्मली थोड़ी थोड़ी सी इशू हो सकती है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में और जहाँ आप छोटे छोटे से सोविनियर्स खरीदना चाहते हैं वहाँ पर भी। तो बहुत दिन बाद इंग्लिश यूज़ करने को मिला। वैसे तो इंग्लिश यूज़ करने को मिलता नहीं है क्योंकि जर्मनी में तो अपन इतना इंग्लिश बोलते नहीं है, जर्मन से ही काम चल जाता है। और अब यहाँ पे आके, क्योंकि फ्रेंच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज दैन जर्मन इज़, क्योंकि अगर आप नैदरलैंड्स जाओ और बेल्जियम जाओ तो थोड़े बहुत मैच भी करता है, बट फ्रेंच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इटालियन से मिलता जुलता है, इसलिए हम तो यहाँ पे इंग्लिश में ही बोल के काम चला रहे हैं। ये देखो भैया, फ्रेंच फैशन है, तो ये जैकेट पहना है गुड़िया ने, और साथ में ये किया है, क्या पहना है, रुमाल। गुड़िया ने बड़ा रुमाल पहना है, जैकेट पहना है, और ये यहाँ पे पजामा और ऊपर का टॉप और ऊपर गमछा बांधा हुआ है वहाँ पे। तो ये है यहाँ का फैशन पर। ये थोड़ा सा वो वाला जो था ना, वो थोड़ा सा लो ग्रेड था, ये हाई ग्रेड वाला फैशन है। तो भाई साहब, आप लोग काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि हम कैसे निकल के आ गए, क्यों ऐसे निकल के आ गए, लॉकडाउन नहीं लगा गया, मतलब ऑफकोर्स क्वेश्चन आता है, जब इंडिया में इतना बेकार टाइम चल रहा है तो यहाँ पे कैसे नहीं, यहाँ पे क्यों लोगों को नहीं हो रहा है। बात ये है, यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर जो पहले भी मैं बता चुका था कि इंसिडेंस रेट है वो कम हो गया है, लेस देन 50 लोगों को आउट ऑफ 100,000 इनहैबिटेंट्स को इन्फेक्शन हो रहा है, सो इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी लो। एंड फ्रांस इज नाउ कंसिडर्ड अ रिस्क एरिया। तो हमने कल देखा था कि तीन एरियाज में कन्वर्ट किया गया है हर एक रीजन्स को वर्ल्ड में, एक है वायरस वेरिएंट, एक है हाई रिस्क हाई इंसिडेंस, और दूसरा है रिस्क एरिया। सो फ्रांस के हम जिस एरिया में आए हैं, दैट इज कंसिडर्ड अ रिस्क एरिया। इफ़ यू ट्रैवल टू अ रिस्क एरिया एंड देन लेट्स से आप वापस आ रहे हो जर्मनी में, देन यू नीड टू प्रोड्यूस टू डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली वन डॉक्यूमेंट। तो वो एक डॉक्यूमेंट ये है कि या तो आपने वैक्सीनेशन दोनों करवा लिए, और या तो आपको कोविड हुआ था एंड आप रिकवर कर गए हो, एंड दैट इज़ आफ्टर 28 डेज आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड अंटिल 6 मंथ्स, आपको एक टाइम पीरियड के लिए ये प्रोविजन मिलता है कि आप दूसरे फॉरेन कंट्रीज इस रिस्क एरियाज को घूमने जा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी क्वारंटीन। यू गेट बेसिकली रिकवरी सर्टिफिकेट। सो दैट इज़ बेसिकली अ रिकवरी सर्टिफिकेट। एंड कल हमको ऐसा ही एक रिकवरी सर्टिफिकेट मिला था जिसके बेसिस पे हम फ्रांस आ सकते हैं, बिकॉज फ्रांस इज स्टिल इन अ रिस्क एरिया एंड वी कैन स्टिल कम हियर एंड डू नॉट नीड टू बी टेक्निकली। नितिका बोल रही थी कि यहाँ से फ्रांस आए हैं तो फ्रांस का क्रोसों तो खाना बनता है, तो फिर हमने फ्रांस का बेकरी ढूंढा और वहाँ से फ्रेंच बेकरी ढूंढा और फिर क्रोसों, ये सब 50 तरीके के आइटम निकाल लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब घर पहुँचना है, तो घर पहुँच के हमारा पहले तो प्लान था कि बिरयानी ले, पर बिरयानी का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया क्योंकि फ्रांस आए हैं तो फ्रेंच बेकरी का खाना तो बनता है, और अब चलते घर, 3 घंटे की ड्राइव है आगे। और हम लोग थोड़ा घूमने में और खाना खाने में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने वही किया है। हमारा सुविनियर यही है कि हम यहाँ से लेके आए हैं क्रोसों और यहाँ के केक्स, जो कि 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अभी अपनी रिटर्न जर्नी पे हैं एंड वी विल रीच अराउंड 5:30 घर पे। हम घर पहुंच गए हैं। उफ, ज्यादा डिफिकल्ट ड्राइव नहीं थी, है ना, मतलब 2 घंटा जाना, 2 घंटा नहीं थी, 2.5 hours जाना, जैसे 2.5 hours जाना, 2.5 hours आना, तो मोर और लेस मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं और भी ड्राइव कर सकता हूँ। और क्या है कि धूप अभी भी है, डेलाइट अभी भी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट जर्मनी, डेलाइट जब तक हो तब तक बाहर निकलने का हिसाब किताब रह सकता है, और यही चीज विंटर में होती तो 4 बजे तक अभी तक अंधेरा हो चुका होता। क्या करें, अपनी ट्रिप तो खत्म हो गई। यू सी लाइक देयर इज अ डिफरेंस, जब हम ट्रैवल करो तो फेस पे थोड़ा सा एक वो टायर्डनेस तो होती है, लेकिन जैसे तुम्हारी आंखें और मेरे फेस पे भी लग रहा है कि हाँ हल्का सा टायर्डनेस है, बट दैट इज अ स्वीट टायर्डनेस आई वुड से। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा इतने साल बाद, इतने टाइम बाद
इंटरनेशनल ट्रिप करके। तो घर आ गए, चाय का वेट था। तो आज का व्लॉग फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं। थक हम दोनों गए हैं बट व्लॉग तो एंड करना पड़ेगा। तो अगर फॉर सम रीजन ये व्लॉग अच्छा लगा आपको देन इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए एंड देन इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अस सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देयर इज अ बेल आइकन एज वेल सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पोस्ट अ न्यू वीडियो एंड विद दैट सेड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद 1 2 3 ऑफ वीडासेन।